हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्वी साइंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं जो कि हम चाइनीज़ ऐप के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है, तो उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो कि चाइनीज़ ऐप ना हो, या तो हमारी कंट्री के हों या फिर दूसरी भी कंट्री के हों, यानी कि वो नॉन चाइनीज़ होने चाहिए, चाइनीज़ नहीं होने चाहिए। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए किया है ताकि हमारा जो डेटा है वो जो है सिक्योर रहे, और जो अभी करंटली इंसिडेंट हुआ है लद्दाख में बॉर्डर इशू, उसे देखते हुए ये सभी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो हमें भी अपने गवर्नमेंट का जो है सहयोग देना चाहिए और उन सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अल्टरनेट ऐप हैं, यानी कि नॉन चाइनीज ऐप हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्ले स्टोर में भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐप चाइनीज़ है और कौन सा नॉन चाइनीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐप्स को, कौन से चाइनीज़ हैं कौन से नॉन चाइनीज़ हैं। यहाँ पे एक ऐप खोला है मैंने, यह है लूडो किंग। इसमें देखते हैं, जब भी आप कॉमेंट के नीचे होगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर कॉन्टैक्ट दिखेगा और न्यू अपडेटेड गेम्स। तो जब आप डेवलपर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनकी डिटेल्स ओपन होगी, वेबसाइट, ईमेल, एड्रेस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप एड्रेस में देखिए, ये जो ऐप है लूडो किंग, ये मुंबई इंडिया में बना है। कुछ क्लीन मास्टर, जैसा कि आपको पता है कि एक चाइनीज़ ऐप है जिसके थ्रू हम अपनी जंक फाइलों को जो है क्लीन करते थे ताकि जो हमारी मोबाइल की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। तो जो इसका अल्टरनेटिव है वो नॉर्टन कंपनी का है, जो कि नॉर्टन क्लीन जंक रिमूवल के नेम से आता है। तो आप क्लीन मास्टर की जगह नॉर्टन क्लीन जंक रिमूवल का यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्टन क्लीन एक यूएसए की कंपनी है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर, वीडियो कैप्चर और वीडियो रिकॉर्डर। जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, DU स्क्रीन रिकॉर्डर है, और भी जो DU के नाम से आते हैं, DU के नाम से, वो सभी चाइनीज़ ऐप होते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू हम, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी जगह आप AZ स्क्रीन रिकॉर्डर लाइव रिकॉर्डर के नाम से एक ऐप आती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो शेयरिट है, जैसा कि आपको बताया शेयरिट लगभग सभी जो है सिटीजन्स यूज़ करते हैं। ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, जैसे हम म्यूज़िक, ऑडियो फाइल, मूवीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, और शेयरिट भी एक चाइनीज़ कंपनी है। तो इसकी जगह आप शेयर ऑल के नाम से एक ऐप आता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। शेयर ऑल एक नॉन चाइनीज़ ऐप है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप वही काम करेगा जो शेयरिट करता है। तो शेयर ऑल फाइल ट्रांसफ़र एंड शेयर विद एवरीवन, इस नेम से आता है, तो आप इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। नेक्स्ट देखते हैं, कैम स्कैनर, स्कैनर टू PDF। कैम स्कैनर भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को स्कैन करने के लिए। कैम स्कैनर भी एक चाइनीज़ ऐप है, इसकी जगह आप एडोब स्कैन PDF स्कैनर विद OCR PDF क्रिएटर, इसका यूज़ कर सकते हैं। एडोब जो है एक नॉन चाइनीज़ ऐप है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एडोब स्कैनर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस भी आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक नॉन चाइनीज़ ऐप है। तो दो अल्टरनेटिव हैं इसके, एडोब स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। तो कैम इसके अंदर की जगह आप ये दोनों ऐप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, WPS ऑफिस, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है, जो कि हमारी जो फाइल्स होती हैं PDF एक्सेल और वर्ड की, उसे ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये चाइनीज़ ऐप है। तो इसकी जगह आप ऑफिस सूट के नाम से एक ऐप आती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉन चाइनीज़ ऐप है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली, आपके का जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद
टर्बो VPN। VPN जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी ब्लॉक साइटें होती हैं उन्हें ओपन करने के लिए हम VPN का यूज़ करते हैं। तो जो ये टर्बो VPN है, ये एक चाइनीज़ ऐप है जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। तो आप इसकी जगह एक प्रोटोन VPN आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जो एक नॉन चाइनीज़ ऐप है। नेक्स्ट देखते हैं, वीगो वीडियो। ये जो वीडियो है ये वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये चाइनीज़ ऐप है। आप इसकी जगह काइन मास्टर का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो एडिटर ऐप आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो वीगो वीडियो है ये एक चाइनीज़ ऐप है, तो आप इसका यूज़ ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस फ़ोटो एडिटर और सेल्फी कैमराज के लिए यूज़ होता है, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है। इसकी जगह आप B612 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नॉन चाइनीज़ ऐप है। और भी बहुत सारे ऐप आते हैं जो नॉन चाइनीज़ हैं, तो आप इसकी जगह वो यूज़ करिए। नेक्स्ट देखते हैं, टिकटॉक। जैसा कि आपको पता है चाइना का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप है, लेकिन इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे भी हमारा डेटा जो है सिक्योर नहीं हो पा रहा था। तो इसे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था, लेकिन इस बार भी इसे फिर से बैन कर दिया है। तो जब भी आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको रेड कलर में जो है मैसेज आएगा, दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो आप इसकी जगह दो अल्टरनेटिव हैं, एक चिंगारी ऐप है, ये इंडिया का ही है, जो इंडिया की जो कंपनी है उसने बनाया है। तो टिकटॉक की जगह आप चिंगारी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर शेयर चैट, ये भी इंडिया में बना है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो अल्टरनेटिव हैं टिकटॉक के, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है दूसरी कंट्री के ऐप हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं।